हमारी आज की मेहमान हर्ष। ये लड़की मुझे पहली दफा एक चैनल में मिली। मैंने उसी चैनल के एक ड्रामे में इनको देखा तो मैंने कहा होता है ना आयशा कि अच्छा। अब हुआ क्या कि मैं भी एक ड्रामा लिख रहा था, उसमें एक बड़ा जबरदस्त किरदार था जी। मुझे कहा गया कि ये लड़की है। मैंने कहा हाँ, मैंने इसको देखा है, ये तो बड़ी जबरदस्त एक्टिंग करती है। तो मुझसे कहने लगे कि साथ वाले कमरे में बैठी हुई है तो मिल ले। अब मैंने दरवाजा नॉक किया तो मैंने कहा जी अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? कहने लगी कि मेरा सीन है, मैं जा रही हूँ। अच्छा मुझे उसकी सर्कट से पता लग गया स्टार थे वड्डी बढ़ेगी। खैर 15 मिनट बाद आई और आगे कहने लगी ओके हाँ जी आपने कुछ कहना था। अब फिर मुझे भी कहीं जाना था, मैं क्या मैं आपको रात को फोन खैर मैंने इनको रात को फोन किया, पूरा रोल समझाया। इस लड़की ने उस रोल को क्या निभाया, कोई ताली नहीं बजाएगा, सिर्फ उस ड्रामे का राइटर ताली बजाएगा। अरे वाह, उसी सारे राइटर और ड्रामे दे उन्होंने भी अपने अपने लिखे। आजकल एक ड्रामा चल रहा है माशाल्लाह। अच्छा आप मुझे एक बात बताएं, एक ड्रामा है फेरी टेल, उसमें अगर आपने किसी को कास्ट करना है आशा, तो आपको फेरी टेल मतलब परी की कहानी, तो उसमें आपको परी को कास्ट करना तो बहुत जरूरी है ना। ये इस वक्त मेरे मुल्क के दिलों की परी है, सहर खान। थैंक यू। आपके वाह 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 वाह, परी है ये तो हर फैन के सर पे चढ़ी है भैया, इसलिए कि ये अपने काम में बहुत खरी है। आज माशाल्लाह परी यहाँ पे मौजूद है और हमारे पास लोकल सा जिन भी मौजूद है। नलायक जिन ने जेड़ा गायब होना भूल गया। मैं जिन्ना। जिन्नी किधर है तुम्हारी? जिन जिन्नी तो बगैर जिन नहीं होता। मुकम्मल नहीं होता। हाँ मुकम्मल नहीं होता। बहुत अच्छे। सरदार साहब ने पूरी चिराग मिलिया, इन्हें जी करके रगड़ा, अभी जो जिन निकलिया, जिन कहता क्या हुक्म है मेरे आका, कहते मैं 5-6 कनाल का घर लै दे। कहते यार तू पागल तो नहीं, मैं चिराग च रहने तेन कनाल घर लै दे। फनी भाई ने भी चिराग लभया। अच्छा इन्होंने एडी जोर न रगड़े जिन ने चपेड़ मारी, कहता मेरी बांह छिल दी। समझ आ रही? नहीं नहीं समझ आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। मैनू भी थोड़ी जी आंदी है। अच्छी बात है, ठीक है। नहीं साड़ी माशाल्लाह जिहड़ी आर्टिस्ट है ना उन्होंने पंजाबी आंदी है जी, लेकिन वो आम जिनके जगह ते नहीं ना ड्रामे ना रिकॉर्डिंग च बोलदी है, जो घर च लैंदे ने दरवाजे नूं कुंडी ला के उदों इन्नी पंजाबी। ए तेरा कख ना रे, ए टुट पैणे आ। सुनाने में ज्यादा मजा आता है, मैं एंजॉय करती हूँ। और वैसे भी फील्ड में ज्यादातर लोग लाहौर से हैं, तो आई थिंक वो ज्यादा पंजाबी में बोल रहे हो। नहीं लाहौर में उर्दू पंजाबी का मिक्सचर है, मिल्क शेक टाइप। खाला जी ठीक कह रहे हैं। यार देखिए आपके सामने परी बैठी है और आप क्या क्या बात है, वाकई परी लग रही है। सही है, किसको काफ से आई? कराची से। कराची अपना कराची जिंदाबाद। जी तो सहर मुझे एक बात बताइए। दो बातें। शादी कब कर रही हो? अभी थोड़ी अभी 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 के अभी। नहीं मैंने कहा आगे भी सुने, आगे हौला रखे। अच्छा शादी ना एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है,
आपको सोच समझ के करनी चाहिए। तो सोच समझ रही है? नहीं अभी तो बहुत कुछ है सोचने के लिए। ख्वाबों का शहजादा तो हर किसी का होता है। मेरा नहीं है। ये ना बात करो, इतनी अच्छी एक्ट्रेस, इतनी इमोशनल, कोई ख्वाब तो होता है ना। मुझे बताएं ख्वाबों का शहजादा क्या होता है? शहजादे की हाइट क्या हो? अच्छा मैं हाइट कॉन्शियस हूँ। हाइट तो क्यों, मुझे लगते लंबे लड़के अच्छे लगते हैं। ब्याह करना है तो उनको पक्के साफ कराने। पक्के मैं नहीं साफ कराने। अच्छा क्या आपको लड़का हाइट कितनी होनी चाहिए? लाइक 5'9" 6'। हैं? 5'8" यार मेरी एज और हाइट पता नहीं किस तरह लीक हो जाती है मुझे। हाइट तो जी 5'8" से लेके 6 फीट तक, मतलब लड़की जो है समझदार है और कितना खुला दिल है उसका, फंसी नहीं आके कि नहीं मैंने बोला 6 तो बस 6। Thank you.